नमस्कार दोस्तों, एबीबी टैग में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि फ्लेक्स लाइट अलाउड लाइट ऐप क्या और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपको अपने मोबाइल में सीधा अपने होम स्क्रीन पर आ जाना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको फ्लेक्स लाइट लेड टॉर्च लाइट ऐप करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस ऐप का रिव्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है जो कि 4.0 है और उसी तरह से इसकी डाउनलोडिंग है वो 5 मिलियन प्लस देखने को मिल जाएगी क्योंकि इसकी डाउनलोडिंग काफ़ी अच्छी है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उसी तरह से इस ऐप को मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद दोस्तों ये ऐप रहेगी वो कुछ इसी तरह से ऐसे आपके सामने ओपन होने लग जाएगी। तो दोस्तों उसी तरह से ओपन हो जाने के बाद दोस्तों इसका इंटरफेस रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऐसे आपके सामने शो करने लग जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो ऐसे हमारा जो भी इंटरफेस रहेगा वो कुछ इसी तरह से देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से आने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारे सामने कुछ इसी तरह से दोस्त बनाओ और फ्री एंटरटेनमेंट का मजा उठाओ। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इसी तरह से ऐड आएगी तो मैं ऐड को साइड से स्किप कर दूंगा। स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी ऐड रहेगी वो साइड में से कुछ इसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो साइड से ऐड रहेगी उसने रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपनी जो भी लैंग्वेज है तो यहाँ से मैं हिंदी कर लेता हूँ और उसी तरह से यस पे क्लिक कर दूंगा। यस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपके सामने कुछ इसी तरह से ऑप्शन आएगा तो यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से अपना जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इसी तरह से आ रहा है तो उसी तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करते रहना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक चैटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा है और यहाँ से स्क्रीन चालू होने पर फ्लेक्स ना करे, यानी स्क्रीन चालू हो जाने के बाद फ्लेक्स ना करे बोले तो इसमें कोई इसका जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपको अपना जो भी ऑप्शन रहेगा वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी स्क्रीन का जो भी आपको इधर नीचे की तरह यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हम फ्लेक्स लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इसी तरह से आएगा और उसी तरह से आने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो जो कि यहाँ से आपको पूरा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर देख सकते हो या मार्गदर्शक तो इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे सामने कुछ इसी तरह से विज्ञापन लोड होगा और उसी तरह से यहाँ से आपके सामने ऐड आ जाएगी। तो ऐड को मैं साइड से एक फ़ोन में आपको कुछ इसी तरह से आपको सुविधा देखने को मिल जाएगी। तो उसी तरह से इससे आपको चमक रहा है कि भाई कुछ इसी तरह से इधर आपको हिंदी देखने को मिल जाएगा जो कि हिंदी में लिखा हुआ है। इस ऐप से गलती से बंद करने से कैसे बचे या आपको जो भी ऑटोमेटिक है उसमें सिस्टम पूरे दिए हुए हैं और उसी तरह से दोस्तों ऐसे आप सेटिंग में जाएंगे और उसी तरह से इसे स्क्रीन चालू होने पर फ्लेक्स ना करें, यानी अपनी स्क्रीन चालू रहेगी तो अपनी फ्लेक्स वो ऑन नहीं होगी। तो दोस्तों उसी तरह से फ्लेक्स अलाउड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा जो भी स्क्रीन आने वाली कॉल के लिए चालू करें, यहाँ पर हमारा जो भी कॉल आएगा उसके लिए यहाँ से आपको देख सकते हो जो कि अपना कॉल आएगा तो अपनी स्क्रीन रहेगी वो ऑटोमेटिक चालू रहेगी। इधर टिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से हमारे जो सामने कौन सा भी कॉल आएगा तो हमारी जो भी स्क्रीन रहेगी वो चालू रहेगी। उसी तरह से यहाँ से SMS आएगा तो भी चालू रहेगी। यहाँ से आपको सक्रिय चालू का ऑप्शन दिया इसे आपको चालू कर देना है। यहाँ से चालू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपके सामने वापस कुछ इसी तरह से ऐड आएगी तो मैं ऐड को मैं साइड से कैंसिल कर दूंगा। उसी तरह से स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ साइड से कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपके सामने इधर अपनी जो भी रिंगटोन की स्पीड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आने वाली कॉल के लिए चालू करें तो इसे आने वाली कॉल के लिए अपना जो भी फ्लेक्स है उसे आपको ऑन कर लेना है। तो दोस्तों ओके पर क्लिक करके यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन है यहाँ से इसे हम अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी कॉल आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे जो भी मोबाइल के अंदर की फ्लेक्स लेगी वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से देख सकते हो क्योंकि यहाँ से अजमाने के लिए आपको देख सकते हो यहाँ से हमारे सामने कुछ इसी तरह से ऐड आई और उसी तरह से आने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे जो भी मोबाइल की आप चेक कर सकते हो जो उसी तरह से यहाँ से हम या हमारे जो भी मोबाइल की है वो आपके सामने कुछ इसी तरह से कॉल आ जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ से मैं कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन है वो कुछ इसी तरह से आपको इधर सेटिंग देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इसी तरह से इससे आपको यहाँ से आप अपने मोबाइल में अपने फ्लेक्स ऑन ऑटोमेटिक चालू बंद कर सकते हो और उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगी यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।